अभ्यास 8, गति 60 शब्द प्रति मिनट, मानक आशुलिपि, तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से दूसरे स्तरों पर तथा क्षेत्रों में अनुकूल संहिता की व्यवस्था तथा उसका पालन आवश्यक है, इस दिशा में भी जो महत्वपूर्ण तथा लाभदायक कदम उठाए गए हैं, उनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर संसदीय कमेटी का गठन महत्वपूर्ण है, परंतु इस संबंध में यदि कार्य का स्वस्थ विकास करना चाहते हैं तो कमेटी के क्रियाकलापों पर संसद अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। अतः इस कमेटी द्वारा एक निश्चित विधान द्वारा कार्य हो, इसके लिए संसद केवल नीति संबंधी प्रश्नों तथा समालोचनाओं तक ही अपने को सीमित रखे। यही सब लोगों द्वारा भी अनुभव किया गया है। तत्पश्चात सार्वजनिक क्षेत्रों पर नियुक्त कमेटी का यह दायित्व होगा कि वह प्रशासनिक तथा व्यापारिक प्रश्नों पर यूनिट द्वारा निर्धारित नीतियों पर गहराई से सोचें। पैरा, संसद के पास पहले ही इतने कार्य होते हैं कि वह यूनिटों के सब पहलुओं का परीक्षण नहीं कर सकती, इसलिए यह सारा कार्यभार कमेटी पर हो जाता है। सीमित समय होने के बावजूद भी एक कमेटी ने प्रत्येक यूनिट के कार्यों का पूरी तरह से निरीक्षण करने का प्रयत्न किया है और इस संबंध में लाभदायक सुझाव दिए हैं। विस्तृत प्रश्नावली भेजने के अतिरिक्त कमेटी के सदस्यों ने योजनाओं का तात्कालिक निरीक्षण भी किया है। अधिकारियों से भी आवश्यक पूछताछ की है तथा अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व दूसरी आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की है। इस प्रकार से यूनिटों में जहां कहीं सुधार की आवश्यकता रही है, कमेटी इस बारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है। इसी प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में सरकार का क्या कुछ रवैया हो, इस बारे में भी प्रयत्न किए जाते रहे हैं। सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी भी है कि सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में
सब लोगों द्वारा ठीक प्रकार से जान लिए जाएं। इस संबंध में सरकार यूनिटों के लिए कुछ मार्गदर्शन निर्धारित कर रही है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बात का पूरी तरह से पालन हो, जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। पूर्ण विराम।